Subscribe my channel. Press the bell icon for watching my new videos. हेलो 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 नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ऑलवेज न्यू मूवी अपडेट्स। आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ पति पत्नी और वो कार्तिक आर्यन, भूमि पेडनेकर, साथ ही साथ आपको अनन्या पांडे इस मूवी में मेन लीडिंग रोल में देखने को मिलेंगे। ये एक एंटरटेनिंग मूवी है, एक कॉमेडी मूवी है, एक कहीं ना कहीं आपको मैसेज भी इसमें देखने को मिल सकता है। तो इस वीडियो में आपसे बात करूंगा कि इस मूवी को रिव्यूज़ क्या मिले हैं, अच्छे रिव्यू हैं, बुरे रिव्यू हैं, साथ साथ बात करूंगा कि मूवी का फर्स्ट डे का कलेक्शन कितना हो सकता है। तो आप वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। पति पत्नी और वो मूवी के बारे में बात करूँ तो इसमें स्टार कास्ट काफ़ी अच्छी है, यंग स्टार्स सारे इसमें लिए गए हैं, चाहे वो भूमि पेडनेकर हो, चाहे अनन्या पांडे हो, चाहे कार्तिक आर्यन हो। कार्तिक आर्यन की पहले की मूवीज़ भी काफ़ी बड़ी हिट रह चुकी है, सुपर हिट रह चुकी है। भूमि पेडनेकर की भी काफ़ी मूवीज़ हिट और सुपर हिट रह चुकी है, साथ साथ अनन्या पांडे की भी मूवीज़ हिट रह चुकी है और वो भी लाइमलाइट में बनी हुई हैं। अब पति पत्नी और वो मूवी के बारे में बात करूँ तो बॉलीवुड तड़का मूवी होने वाली है ये। कॉमेडी देखने को मिलेगी, रोमांस देखने को मिलेगा, थोड़ा बहुत हो सकता है एक्शन भी आपको देखने को मिले। तो ये मूवी कल के दिन ऑफिशियली रिलीज़ कर दी जाएगी ऑल ओवर इंडिया में। ट्रेड की तरफ से इसके रिव्यूज़ आ चुके हैं, तरुण आदर्श के अकाउंट से या काफ़ी और भी जितने भी रिव्यू करते हैं उनके अकाउंट से रिव्यूज़ आ चुके हैं। तो रिव्यू बहुत अच्छे हैं और इस मूवी को कम से कम 3.5 स्टार्स मिले हैं आउट ऑफ 5, जो कि काफ़ी अच्छा नंबर है। और सभी रिव्यूअर्स का कहना है कि ये मूवी एंटरटेनिंग है, इंगेजिंग है और डायरेक्टर ने काफ़ी अच्छी डायरेक्शन भी दी है। और जैसा मैंने कहा कि 3.5 स्टार्स मिले हैं इस मूवी को आउट ऑफ 5, जो कि अच्छा खासा नंबर है। अब आप सोच रहे होंगे चलिए रिव्यूज़ अच्छे मिल गए, रेटिंग अच्छी मिल गई, स्टार कास्ट अच्छी है, तो मूवी का फर्स्ट डे का कितना कलेक्शन हो सकता है। देखिए मैं आपको बता दूं कि फर्स्ट डे का कलेक्शन अगर यही रिव्यूज़ किसी बड़े स्टार को मिले होते, चाहे आमिर खान, शाहरुख खान, अजय देवगन, सलमान खान, तो फर्स्ट डे का कलेक्शन कहीं ना कहीं 40 करोड़ के आसपास का होता। लेकिन अब आप ये मत सोचें कि इसे अच्छा रिव्यू मिला है तो ये भी उतना ही कलेक्शन करेगी, जी नहीं। इसमें जैसे यंगस्टर हैं सारे के सारे और इस मूवी को क्लैश देखने को मिल रहा है एक दूसरी मूवी से जिसका नाम है पानीपत, तो उस मूवी के साथ इसको क्लैश देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ इस मूवी को एक अच्छा रिव्यू मिला है, स्टार कास्ट इसकी अच्छी है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं फर्स्ट डे में अभी तक की रिपोर्ट्स और स्क्रीन काउंट, जी हाँ दोस्तों स्क्रीन काउंट काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है किसी भी मूवी के लिए। और इस मूवी को 2500 से 3000 के आसपास स्क्रीन्स मिलने वाली है और जो दूसरी मूवी रिलीज़ हुई है इसी मूवी के साथ पानीपत, उसे भी लगभग 2000 से 2500 के आसपास स्क्रीन्स मिलने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है पति पत्नी और वो पहले दिन में जिस तरह से रिव्यू मूवी को मिला है अच्छा स्टार्ट मूवी लेगी और 8 करोड़ जो दोस्तों फर्स्ट डे में इंडिया में मूवी अगर 8 करोड़ का कलेक्शन भी करती है नेट, तो मूवी का वर्ल्ड वाइड में टोटल कलेक्शन हो जाएगा लगभग 12 करोड़ से 13 करोड़ के आसपास। तो ये तो थी फर्स्ट डे का रिस्पांस, फर्स्ट डे का कलेक्शन और इस मूवी के रिव्यूज़। तो आपको क्या कहना है पति पत्नी और वो मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, मूवी के रिव्यूज़ के बारे में और स्क्रीन काउंट और बजट? जहाँ तो बजट बताना मैं आपको भूल गया, मूवी कम से कम बनी है 35 से 40 करोड़ के बजट में, तो बहुत बड़ा इस मूवी का बजट नहीं है। अगर मूवी अच्छा परफॉर्म करती है तो ये बजट ईजिली रिकवर कर देगी। आपको क्या कहना है पति पत्नी और वो मूवी के बारे में कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। और आपको क्या लगता है कि मूवी का कलेक्शन फर्स्ट डे में कितना होने वाला है? अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।